बाज हवा में उड़ने वाले परिंदों में सबसे खतरनाक जानवर है। अब इसमें कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो इसे बाकी तमाम परिंदों से मुख्तलिफ रखती हैं। यही कुदरत का तकाजा है कि अल्लाह ताला के तमाम मखलूकात की जिंदगी का मुतालिया किया जाए तो अंदाजा होता है कि हर मखलूक में क़यादत के लिए किसी न किसी का इंतखाब किया जाता है। जंगल के जिंदगी का नजारा करने की कोशिश करें तो मुत्तफिका तौर पर जंगली हयात में शेर को बादशाह तस्लीम किया जाता है, और इसकी बादशाहत का मतलब हरगिज ये नहीं कि वो इंसानों की तरह सल्तनत का बादशाह बन गया। शेर को सबसे ज्यादा ताकतवर तस्लीम किया जाता है, इसलिए वो जंगल का बादशाह है। इसी तरह बाज को भी परिंदों का बादशाह कहा जाता है और पहाड़ों का शहजादा माना जाता है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पूरी दुनिया में बाज की तीन किस्में पाई जाती हैं। हैवानात के माहिर कहते हैं कि बाज मुख्तलिफ रंगों में मौजूद हैं। कुछ पहाड़ों में, कुछ रेगिस्तानों में और कुछ जंगलों में रहना पसंद करते हैं। बाज की एक किस्म ऐसी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती। यकीनन ये हैरत की बात है। बाज के बारे में सबको मालूम है कि ये ताज़ा शिकार खाता है, पुराना शिकार नहीं खाता। ये अपना शिकार उसी वक्त करता है, उसी वक्त नोचता है। जब ये शिकार करता है तो कुछ लम्हे इसका ताकुब करता है, फिर उसको निशाना बनाता है। ये बहुत ऊंचाई पर उठता है और जब इसे शिकार करना होता है तब नीचे आता है। उमूमन ये अपना शिकार हवा में ही कर लेता है, लेकिन अगर इसका शिकार हवा में इसे न मिले तब ये जमीन का रास्ता इख्तियार करता है। क्या आपको ये बात मालूम है कि ये अपने बच्चों को भी बहुत ऊंचाई पर कहीं रखता है ताकि कोई भी जमीन या हवाई आसमान का परिंदा इसे नुकसान न पहुंचा सके। जब इसे हवा में शिकार नहीं मिलता तो ये जमीन पर आन पहुंचता है और जो भी इसे शिकार मिले उसको दबोच लेता है। अक्सर औकात जंगलों में या पानी के तालाब में फिरते हुए परिंदों को भी उठा के ले जाता है। ये बाज भी शायद इसी वक्त का इंतजार कर रहा है जब ये मगरमच्छ के बच्चे को अकेला देखे और उसे उठा कर ले जाए, क्योंकि इसके लिए बच्चों को उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगरमच्छ का बिल्कुल नया बच्चा है जो कि 2 से 3 फीट का है। उसका वजन भी उमूमन 4 से 5 किलो है, लेकिन बाज के लिए 4 से 5 किलो वजन बिल्कुल नॉर्मल है। बाज इसको निशाना बनाए बैठा है, लेकिन इस मगरमच्छ की माँ को शायद अंदाजा हो गया कि इसके बच्चे को मुश्किल पेश आने वाली है। देखिए किस तरह वो अपने बच्चे को उठा के अपने मुँह में ले लेती ताकि नुकसान न पहुँचे, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है ना। माँ ने इस बाज को देखा कि ये कुछ हलचल करने वाला है तो उसके जहन में ये बात बैठ गई कि ये मेरे बच्चे को नुकसान न पहुँचा दे। देखिए किस तरह उसने इसे उठा के अपने मुँह में रख लिया। क्योंकि बाज में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी जानवर को उठा के ले जाए, इसलिए वो ये रिस्क नहीं ले सकता था। यहाँ देखिए ये बाज भी तालाब के ऊपर से गुजरता है कि कहीं इसे कोई जानवर मिल जाए। देखिए जैसे ही वो तालाब के ऊपर से गुजरता, नीचे बैठा एक मगरमच्छ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन मगरमच्छ नाकाम हो जाता है। अब यहाँ देख लीजिए किनारे पर मगरमच्छ के कितने ज्यादा बच्चे फिर रहे हैं। बाज ने फिर यही कोशिश की, दरख्त पर बैठे उनका ताकुब किया और सही मौका सही वक्त देखते उनको पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही बाज तालाब के एक कोने से दूसरे कोने पर जा रहा था, देखिए किस तरह मगरमच्छ ने ऊपर उछल के इस बाज को पकड़ने की कोशिश की। मगरमच्छ हवा में तो नहीं उठ सकता, लेकिन जितना उछल सकता था उसने उतना उछल के बाज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाज बड़ी चालाकी से वहाँ से उठता हुआ निकल गया। क्योंकि बाज बहुत चालाक जानवर है, उसको मालूम है कि अपना दिफा कैसे करना है। उधर आपको बताएं कि बाज की चूंच और उसके पंजे बहुत ताकतवर होते हैं और नोकदार होते हैं। इसकी आंखें बहुत शिकारी हैं, बहुत दूर तक शिकार का जायजा ले सकती हैं। फिर देखिए बिल आखिर ये बाज इसके बच्चे को उठाने में कामयाब हो ही गया। देखें कितनी स्पीड से उठता हुआ आया और अपने मजबूत पंजों की मदद से कुछ ही सेकंड में बच्चे को उठा कर ले गया। नाजरीन, ये कोई आसान काम नहीं है कि एक माँ के सामने उसके बच्चों को उठा कर ले जाना। माँ तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, वो नहीं चाहती कि उसके बच्चों पर कोई आंच भी आए। लेकिन बाज की ये मिसाल है ना कि बाज जब भी उठता है कहीं ना कहीं उसका ताकुब होता है और कहीं ना कहीं वो शिकार की
की आड़ में होता है। जहाँ भी उसे कुछ भी मौका मिले वो उसे नहीं छोड़ता। फिर देखिए जब उसने इस बच्चे को उठा लिया, फिर कितनी पुरसुकून जगह पर जाके एक दरख्त पर बैठ गया और उस जगह पर जाकर अपने पंजों से दबाते हुए अपनी चोंच से नोच नोच के खा रहा। और इसकी यही सबसे बड़ी खसूसियत है कि ये ताज़ा शिकार करके खाता है। यही इसे बाकी जानवरों से मुनफरिद बनाती है, क्योंकि ऐसे बहुत कम जानवर हैं जो ताज़ा शिकार करके खाते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी सलाहियत नहीं होती। और बाज के बारे में ये भी मशहूर है कि जब किसी बड़े बंदे को किसी चीज़ की मिसाल देनी हो तो उसे बाज की मिसाल दी जाती है और उसे कहा जाता है कि बाज जैसे शिकारी बनो, बाज जैसे तेज बनो और चालाक बनो। नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जंगल में पानी पीने के लिए हर जानवर को तालाब में जरूर जाना पड़ता है और अक्सर ऐसा मंजर देखा गया है कि जब भी कोई जानवर तालाब पर पानी पी रहा होता है, चुपके से मगरमच्छ पानी के अंदर से आता है और उस जानवर को अपने बड़े मुंह में दबोच लेता है। क्योंकि मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो जमीन के अंदर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी कई दिन गुजार सकता है। उसमें ये सलाहियत मौजूद है कि बर्फ के अंदर भी रह सकता है। तो जंगल में तालाब में हर जानवर ने पानी पीने आना होता है और ये जंगल का कानून है कि कोई भी जानवर जिस पर उसका बस चलता है उसे दबोच लेता है और खा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मगरमच्छ करता है और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। कुछ हिरन तालाब के किनारे पानी पी रहे हैं, मगरमच्छ वहाँ पहुँचते हैं। एक हिरन छलांग लगाकर तालाब को उबूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हिरनों को इस बात का इल्म है कि कौन कौन उनका शिकार करना पसंद करता है। हिरन ने छलांग लगाकर तालाब को उबूर करने की कोशिश की। देखिए कुछ ही लम्हों बाद जब वो तालाब के अंदर से फलांगते हुए जा रही होती है, एक मगरमच्छ अपना 2 से 3 फुट बड़ा मुंह खोलता है और उसे उसके अंदर दबोच लेता है। उसने आसानी से उसे चीर फाड़ दिया। और जब ये सारा वाकया पेश आ रहा था, इस हिरन को जान से जाना पड़ा। इस बात का फायदा उठाते हुए बाकी के हिरन फौरन से वहाँ छलांगे लगाकर तालाब को उबूर करके दूसरी जानिब चले जाते हैं और जंगल की तरफ भाग जाते हैं। नाज़रीन उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।